सिवान में पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद भी चोर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में भी चोरी को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सिवान नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र पथ IDBI बैंक के पीछे अधिवक्ता दिनेश कुमार गिरी के मकान की है, जहां बीती रात चोरों ने लाखों के गहने और टीवी कपड़े समेत कई कीमती सामानों की चोरी कर ली गई। लॉकडाउन के चलते अधिवक्ता का परिवार पैतृक गांव गया था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पड़ोसियों के द्वारा सूचना देने पर घर वालों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। दिनेश कुमार गिरी, पिता स्वर्गीय राजेंद्र गिरी, ग्राम दीनदयालपुर, थाना जीवी नगर, जिला सिवान का निवासी हूँ मैं। कोरोना संक्रमण के वजह से 29/3/2020 को मैं अपने पैतृक निवास दीनदयालपुर चला गया और कोरोना पॉजिटिव के वजह से मैं अपने डेरा पर सिवान नहीं आ सका। मैं अवधेश कुमार IDBI बैंक के पीछे राजेंद्र पथ के पास रहता हूँ। आज सुबह 11/4/2020 को फोन गया, फोन से सूचना हुई कि नैन फ्लेक्स बोर्ड में चोरी हो गई है, संभावना है कि आपके रूम में भी चोरी हुआ होगा। इस वजह से मैंने सिवान अपने रूम पर आया। जब ऊपर मैंने अपने रूम पर आया तो अपने तीनों रूम का ताला टूटा हुआ पाया। जब अपने रूम में प्रवेश किया तो देखा कि सारे सामान तितर बितर पड़े हुए हैं, मेरा अलमारी तोड़ दी गई है, मेरा बॉक्स भी तोड़ दिया गया है, दीवान का बॉक्स तोड़ दिया गया है और सारे सामान बाहर फेंक दिए गए हैं। उसमें से गहना 35,000 रुपया नगद और फुलहा बर्तन, कपड़ा लगभग 3 से 4 लाख रुपया की संपत्ति अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। मैंने इसकी सूचना स्थानीय नगर थाना सिवान को दिया। सुबह वहां के थानेदार आए थे, मैंने लिखित भी आवेदन उनको दे चुका है। इस स्थिति में मैंने अपने स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि अज्ञात चोरों को, दोषियों को दंडित किया जाए और मेरा सामान को बरामद किया।